सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक खतरनाक बीमारी है, जो उनकी मौत का एक प्रमुख कारण भी है। ये कैंसर आमतौर पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वायरस के कारण फैलता है। ऐसे में इसे लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल जनवरी में सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। क्या है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस? HPV एक सामान्य वायरस है जो त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन को संक्रमित करता है और मुख्य रूप से स्किन कॉन्टैक्ट के जरिए फैलता है, खासकर यौन गतिविधि के दौरान। कैसे फैलता है HPV? ये वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ वेजाइनल, एनल या ओरल सेक्स के जरिए फैलता है, भले ही संक्रमित व्यक्ति में कोई लक्षण ना हो। कैसे कैंसर का कारण बनता है HPV? HPV के कुछ हाई रिस्क स्ट्रेन लगातार संक्रमण का कारण बन सकते हैं, जो शरीर में सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनते हैं और संभावित रूप से समय के साथ सर्वाइकल या अन्य तरह के कैंसर का कारण बनते हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे करें? सर्वाइकल कैंसर को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है HPV के खिलाफ टीका लगवाना। इसके अलावा HPV टेस्ट और पैप स्मेयर जैसे नियमित स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए। HPV वैक्सीन की ज़रूरत क्यों है? आमतौर पर शारीरिक संबंध की वजह से होने वाले HPV इन्फेक्शन की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में HPV वैक्सीन हाई रिस्क वाले स्ट्रेन के कारण होने वाले सर्वाइकल और अन्य कैंसर के खतरे को काफ़ी कम कर देता है। क्या है सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर इस गंभीर बीमारी का एक घातक प्रकार है। आमतौर पर सर्वाइकल, ओवेरियन, यूट्रस, वेजाइनल और वल्वा कैंसर महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रभावित करते हैं। सर्वाइकल कैंसर इन्हीं में से एक है जो सर्विक्स में शुरू होता है, इसीलिए इसी नाम से जाना जाता है। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV नाम के वायरस के कारण होता है। HPV से संक्रमित सभी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का खतरा होता है। सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचें? सर्वाइकल कैंसर से बचने का सबसे असरदार तरीका है यौन रूप से सक्रिय होने से पहले आमतौर पर किशोर अवस्था के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों को HPV वैक्सीन लगवाना। कैंसर के कारण बनने वाले HPV को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। इसके लिए आप कॉन्डम या डेंटल डैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए नियमित रूप से पैप स्मेयर टेस्ट आदि करवाते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching Physio Talk.